कौन है वाला है। या तो पहले आप लिख दिया, मैं लिख देता हूँ कि वो निर्देश का आप ही कर रहे ताकि उसके साथ मुझे बात करें, भाई बाद में दिक्कत नहीं आए कि भाई नहीं हमारा ये निशान अल्लाह किसी वक्त को याद होगी इसमें चाहिए नहीं लिखे इसकी जरूरत करा कि अपने बात करें नहीं वो तो मैं भी रखें कभी उसमें भी करना है एंड में आगे करने ले जाएगा के अलावा जो जो है मतलब उस सब लिखते हैं जैसे कुरान की दलील कुरानी से मतलब लिखी जाएगी या हदीस से लिख दी जाएगी इस तरीके से जो मतलब फिर बाद में लिख करना हो डायरेक्ट सिर्फ पाठ मैं मुनाजरे की नहीं कह रहा हूँ जैसे बहस हुई फिर बात बहस होगी मान लो आपने कोई आयत पढ़ी ठीक है अब उसके रद में मैंने कोई आयत पढ़ी वैसा कई मरतबा हुआ जैसे जमीन साज ने नमाज करी जैसे शोकत साज ने नमाज करी रफाया तो उन्होंने कहा बुखारी शरीफ के अजीब से रफा यदी मैंने कहा बुखारी शरीफ से ज़्यादा कवि के मैं पैसे का नौ मैं मिसाल बता रहा हूँ बुखारी शरीफ से ज़्यादा कवि इमाम उन्होंने कहा कि नहीं अमल बुखारी की चुके वो ऊँची किताब इसलिए उस पर हो तो वो लपड़ा नहीं पड़ेगी इस वजह से जैसे मैं आपको बता देता हूँ मैं लिख देता हूँ हमारा जैसे मैं बताऊँ ये जो
ये दहली जो है तो हम वहाँ पर ये जो वहाँ लफ्स दहली जो है तो उसको उस लफ्स को आप क्या अगर गैब देखो अगर गैब तो पर किसी को खबर दी तो वो गैब नहीं हुआ फिर वो गैब की खबर ही होगी ऐसे होगा कि अल्लाह ताला बगैर किसी वसाइल के है ना बगैर किसी वसीले के आलिम हो गए आप कोई चीज़ की खबर किसी को दे दी तो पहली बात तो बीच में वसीला आ गया जरिया आ गया और किसी जरिए या वसीले से कोई चीज़ ओपन कर दी जाए तो गैब का गैब वो तो हमारे ये भी ये तो फिर ये होगा कि अगर अपन इसको गैब मान लेंगे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं ऐसे तो केस पड़ जाएगी हाँ मैं ये कह रहा हूँ अपने कि गैप किसे कहते हैं पहले ये लिखो आप तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना ऊपर ऊपर लिखो आप छोटी ही चीज़ को गैप कहते हैं है ना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये कहे
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है मेराज में, तो वो झूठा है, झूठ बोलता है, तो झूठ कहता है। और जो ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेब जानते हैं, तो वो भी झूठ बोलता, गलत कहता। और वो देखने के बारे में उन्होंने वो आयत पेश करिए, ला तुद्रिकुल अबसार वला युद्रिकुल अबसार मोहम्मद उत्तर। और गेब के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये भी कहा कि जो ये कहे कि नबी गेब जानते थे, तो वो भी गलत बोलता है, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में ये कहा कि ज़मीन और आसमान में अल्लाह के सिवा कोई गेब नहीं जानता। ऐसी चीज़ है ना ये ना। और अगर कोई ये कहे कि मोबाइल होगा इस पर से ना, क्योंकि मेरा मोबाइल बंद हो गया तो वो लगा। दूसरी बात ये है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी फरमाया कि अगर कोई ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी कोई बात छुपा गए मौजूदा, तो वो गलत बोलता है, क्योंकि अल्लाह को इतना भी नहीं होता है। वो आए थे या आई और रसूल बन गए माँ उनसे रहने में जरूरी है, रसूल पहुँचा दीजिए, तकलीफ कर दीजिए जो कुछ आपके रब की जानब से नाजिल किया गया। तो तीनों अकीदे का रंग आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया। अब अगर ये गुस्ताखी है तो सबसे पहले तो मौजूदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ऊपर जाते हैं। अब ये जो तकसीम है ये सिर्फ हमारी न समझ के ऊपर है कि आपका ये अकीदा है कि भाई अताई का जाति नहीं था, और हम ये कहते हैं कि भाई कुल कई बगैर करीम सरकार आ जाओ अंदर यानी करीम सरकार आगे सर हमको आगे करीम सरकार। तो हम कुरान की आयात और हदीस से इस बात को बोलते हैं, सहाबा किराम का भी वो अपनी जाता इस वजह से बोलते हैं, इसमें किसी का इख्तलाफ पाया नहीं जाता। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है अगर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया तो ये कब फरमाया था हदीस में ना? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहाँ है, कब फरमाया था सर आयशा, कब का मतलब किस वक्त फरमाया था? शारीन ने तो किया है ये निकाह से पहले की बात। और कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये नबी आप जो कुछ नहीं जानते अल्लाह तबारक ताला ने आपको वो सब सीखा है। तो गालिब गुमान ये भी तो हो सकता है कि दलील पर नहीं जा सकते, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह के नबी पहले नहीं जानते थे, कुरान कह रहे हैं कि जो आप नहीं जानते थे अरे क्या ये तो कुरान की दलील है। चलो और दूसरी बात सुनिए, एक इसी ये भी हो सकता है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने ये नहीं कहा होगा, जैसा कि तफासिर में आया मैं आपको बता सकता हूँ, और एक तफसीर में नहीं कई तफासिर में आया है कि यहाँ पर हजरत आयशा ने एक वजह ये हो सकती है तो उन्होंने इल्म ग़ैब साथ किया ग़ैब बताई, ये मैं तफसीर से बता सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं कुरान हदीस इजमा कयास चारों से चलती और इन चार पर तो आपका भी कुरान हदीस के साथ तफसीर तफसीर में आपने तो मैं भी खोल के बता सकता हूँ। एक तो ज़ाती की नफी, दूसरी बात ये कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये कहा है बिल्कुल बुखारी शरीफ में, लेकिन इसमें ये है कि ये निकाह से पहले की बात हो सकता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह कह रहा है कि आप नहीं जानते थे लेकिन आपके रब ने आपको सब सिखा दिया, तो यह सबसे क्या माना है जो आप नहीं जानते वो आपको सिखा दिए, तो फिर इनसे क्या माना होगा। और ज्यादातर शारही ने यही कहा है कि यहाँ पर इल्म ग़ैब ज़ाती की इल्म ग़ैब अताई की नफी, पर आप जो कह रहे हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो ये कहा है उससे मुराद तमाम तफासिर करने वाले मुहद्दिसीन ने यही दिया है कि इल्म ग़ैब ज़ाती की नफी। इसी तरीके से कुरान की एक आयत है قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, उसके बाद एक लफ्ज़ और आपकी आयत याद हो पढ़ी नहीं आप आए हमारे को पढ़िए तो सही, इसके आगे का लफ्ज़ आप पढ़ रहे हो ना आप पढ़ रहे हो قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, इसका माना आप ये जरा बयान करते हैं कि मैं अपने नफा और नुकसान का मालिक मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, इल्ला माशा अल्लाह, तो इल्ला माशा अल्लाह से जितना अल्लाह चाहे उतना मिले ना, कोई नहीं है अताई का मतलब।
रेप का हुआ हो, क्या होगा, जाहिर हो गया ना, कैसे होगा? एक आदमी बाहर खड़ा है, मुझे बताओ, मैं दो हदीस निकाल ही देता हूँ। जी आप बोलिए। मैंने क्या कहा कि पहले अपन रेप का मुकदम समझो, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि पोशीदा या छुपी हुई बात को रेप कहा जाता है। एक आदमी दीवार के पीछे है, ठीक है ना, हमारे लिए गैर है क्योंकि वो दिख नहीं रहा कौन है, क्या नाम है, कैसा है, वो दिख नहीं रहा, तो हमारे लिए गैर है। अब मुझे आगे खबर दे दी कि फला साहब बाहर खड़े, तो ये कहा जाएगा कि मुझे यहाँ ही गैर है, तो ये कहा जाएगा कि गैर गैर था मेरे लिए अब तक और मुझे खबर दे दी गई। दोबारा बोले नहीं, एक आदमी दीवार से पीछे, ठीक है ना, अब मुझे याद नहीं है कौन आदमी है, क्या नाम है, कैसा लगता है, मेरे लिए वो चीज़ गैब है, ठीक है ना। अब उस आदमी के बारे में मुझे खबर दे दी गई या दिखा दिया गया, तो मेरे लिए गैब थोड़ी हुआ। आपके लिए नहीं, मतलब आपके साथ खबर दे दी ना, आपको दे दी गई खबर, मुझे नहीं दी गई है, तो मेरे लिए तो गैब है ना, आपके लिए तो गैब है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि नबी के लिए गैब ना हुआ लेकिन उम्मत के लिए तो गैब हुआ। नबी ने खबर दे दी ना किसको, उम्मत को, जिस चीज़ की दे दी उसकी ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सही बुखारी के हदीस है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला आप बयान फरमाते हैं कि कामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माह के एक वक्त एक वक्त मिंबर पर चढ़े, तशरीफ फरमा और आपने हमको खबर दी। तब की खबर दी आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले से लेकर आखिर तक, हत्ता दखला अहलुल जन्नति मनाज़िलहु, कि यहाँ तक के जन्नती जन्नत में चले गए, व दखला अहलुन नारी मनाज़िलहु, और जहन्नमी जहन्नम में चले, ठीक है। अब इसके बाद है हफिज़ा ज़ाली हफिज़हु मन हफिज़हु, कि हमने याद किया जिसने याद किया उसका अच्छा हाफिज़ा, व नसीहु मन नसीहु, और जो भूल गए वो भूल गए, ठीक है। ये बात सहाबा का हुसूल ने बताया, ठीक है। तो आपके कहने के मुताबिक मैं या फिर भी मान सकता हूँ कि ठीक है ये बात सहाबा तक आ गई, ये गैब हो, लेकिन जिसने नहीं बताया वो तो गैब ही रहेगा ना उम्मती के लिए, वो तो नबी के लिए भी गैब रहेगा। किसके नबी को, नबी को तो अल्लाह ने बता दिया ना कि नबी जो आप नहीं जानते थे सब बता दिया, तो नबी के लिए क्या गैब रहा, सब बता दिया, सब बता दिया, कुरान कह रहा है ना, मतलब कयामत तक आने वाली जो पूरी चीज है, बिल्कुल। आज नबी नबी पाक फरमा रहे हैं वो हदीस बता रहा हूं कुरान की, वो आयत भी पढ़ी होगी आपको, कि अगर मैं गैब जानता तो बहुत सारी भलाइयां की थी, बिल्कुल बिल्कुल, तो खुद नबी से कहलवाया था क्या करो इसकी। तफासीर और शरा आप अपनी बताओगे जिससे आपका मसलक साबित होगा, और हम बताएंगे आपने तकसीम करी ना आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने, हो सकता है कि ये जाति के लिखा हो, ये मैंने नहीं कर दिया नहीं, ये तकसीम जिसने भी करी ये तो गुमान हुआ ना, जिसने नहीं जिन्होंने भी करी, जिन्होंने एक नहीं है तकसीम करने वाला जी, और सारे मुहद्दिस हैं, लेकिन गुमान है ना जी। अब गुमान की दो किस्में हैं जी, एक तो गुमान नहीं है, निकाह से पहले ही बयान किया गया है, लाना से बात हुई होगी इसकी, इससे मतलब थोड़ी ऐसे तो किसी की नबी से मेराज का भी बयान है ना, मेराज का भी जो ये कहे कि मेराज में नहीं जा रहे नहीं, नहीं इसका मतलब क्या हुआ, मेराज के बाद की हदीस नहीं है, नहीं अभी तो साबित हो गया ना, ये तो साबित हो गया, अभी सिर्फ गैर नहीं साबित कहां हो गया उस पर जाएंगे ना, नहीं आपने ये कहा ना कि हो सकता है ये शादी से पहले की बात है, है ना, पहले की बात है, और आपने कहा फिर अल्लाह ने कहा हमने आपको सब सब बता दिया, इस तरह आप जो नहीं जानते थे वो भी बता दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी तो बना दिए गए थे और मेराज पे भी होकर आ गए थे, तभी तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तीनों चीज़ें एक साथ बयान, आपने शुरू में एक बात बोली आपको तो फिर ये चीज़ आपने शुरू में एक बात बोली ना, फिर शादी से क्या मतलब, शुरू में आपने एक बात बोली आप ही की बात आप बोल रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वक्त वक्त पर जब जब से खबर पड़ी है तब तब की बता दो पुरा ये तो फिर आप कैसे कह रहे हैं जो हम आप कैसे कह रहे हैं कि हज़रत आयशा जब भी आप ये बात बोले इस वक्त की बताया, आप खुद कह रहे हैं वक्त वक्त पर अलग अलग बताते हैं, तो
पहले भी बताया होगा, अभी भी बताया होगा। और देखिए वक्त का भी तय्यून आपने किया कि ये हदीस शादी से पहले की है, ये मैंने नहीं किया सर। इसका मैं जवाब दे रहा हूं, किसी की बात बता रहा हूं, किसी पर ईमान नहीं। मैं भी तो जवाब दूंगा ना, दीजिए हमें मना कि भाई मेराज के बाद ये हदीस बयान हुई है, तभी तो इसमें मेराज का जिक्र है ना। ये देखिए इसका शरीफ की हदीस बात हो, हजरत अबू हुरैरा अर्ज छोड़ रहा हूँ, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उसमें बता रहा हूँ मैं कि नबी मदी के लिए जैब नहीं है, जैब है और नबी के लिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि एक भेड़िया बकरियों को चरवाहे की जानिब आया, यानी जो लेवड़ जो थी उसकी जानिब आया, फिर उससे लेवड़ में से एक बकरी उठा ले गई, चरवाहे ने उसका पीछा किया, यहाँ तक कि बकरी को उससे छीन लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि फिर वो भेड़िया एक टीले पर चढ़कर अपनी दुम पर बैठा और बोला कि मैंने अपने रिस्क का कस्त किया था जो मुझको खुदा तआला ने दिया, यानी भेड़िया शिकायत कर रहा है उससे कि ये तो मेरा रिस्क था, मेरा ये काम है कि जहाँ पर मुझे कोई जानवर मिल जाए पकड़ लूँ। तो वो कह रहे हैं कि किया, तो चरवाहे ने कहा खुदा की कसम ऐसी अजीब बात मैंने आज की तरह कभी ना देखी, यानी भेड़िया बात कर रहा था इंसान से, भेड़िया उनसे जो चरवाहे थे उनसे बात कर रहा था। तो भेड़िया बोलता है, अब भेड़िया जवाब देता है कि भेड़िया ने कहा इससे ज़्यादा अजीब उन साहब यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है जो दो संगिस्तानों के दरमियान नखलिस्तान यानी मदीना में तशरीफ़ फरमा होकर तुम लोगों से उन तमाम वाक़ियात को बयान करते हैं जो गुजर चुके, जो गुजर चुके और जो वाक़ियात तुम्हारे बाद होने वाले। तो ये नबी जान है वो नहीं जानते, अब बताने के बाद वो जाने, उससे पहले तो नहीं जान रहे थे, बताते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि वो चरवाहा यहूदी था, मुसलमान नहीं था, भेड़िए से ये बात सुनकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, वाक़िया बयान किया और मुसलमान। यहाँ पर से एक बात इससे ये बयान होती है कि जैसे यहूदी ने सुना कि मुझसे ज़्यादा अजीब बात तो उसने भेड़िए ने कहा कि मुझसे ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि वो जो मदीना में एक शख्स रहता है वो गुजर चुका वो भी बयान करता है और जो आने वाला है वो भी बयान करता है। तो यहूदी ने दिल ही इत्मीनान के लिए वो खुद हुजूर के पास गया और मुसलमानों का यानी पक्की बात उसने पूछा होगा, और जब पूछा होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जैब नहीं जानते तो रसूल को कहना चाहिए था कि भेड़िया कौन होता है जो कह रहा है कि मैं कल की बात बताता हूँ, बल्कि नबी पाक ने वहाँ पर गालिब गुमान ये कि हाँ वो सही कह रहा है, उसके बाद वो मुसलमान हो गया, उसके बाद वो मुसलमान हुआ होगा। मिश्रा शरीफ के हदीस बात है, इंशाल्लाह बुखारी मुस्लिम की भी है, लेकिन अभी ये डायरेक्ट हम सीढ़ी चढ़ने वाले लोग हैं, डायरेक्ट हम ऊपर नहीं जाते, इसलिए मिश्रा शरीफ से हुजूर को चाहिए था कहना कि वो भेड़िया तो जानवर है। नहीं वो ठीक है आपका कहना, इसकी सही चीज है जी जी जी, मतलब इसका आपने ज़्यादातर बुखारी मुस्लिम के हदीस ठीक है, इससे भी बात रिटर्न करा ली, सदी से भी रिटर्न करा ली, बताओ क्यों? क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया कि नबी ये वो बातें हैं जब आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, आप मौजूद नहीं थे ना आप जानते थे, ये वो बातें जो पहले हो चुकी हम आपको बताते हैं, लेकिन अल्लाह ने जब नहीं चाह, जैसे आपको मालूम है मेरा कह रहे पकड़ने बारे में कि उन्होंने इंशाअल्लाह नबी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ने वही रोक दी ने कहा कि जब भी आप कोई मतलब बात करें किसी को जवाब देने के लिए तो इंशाअल्लाह के लिए करें, ठीक है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया बहुत सी चीज़ें तो नहीं मालूम पड़ी और पता दी तो मालूम पड़ गई है ना। ये हदीस मैं आपको पेश करता हूँ, मुस्नद अहमद के अंदर तो नहीं सही नंबर और मेरा ख्याल है कि तिर्मिज़ी अबू दाऊद के अंदर बता दी मेरे पास कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए अल्लाह के रसूल आप मौजूद नहीं थे, काश आप देखते इस तरीके से कि जब फिरौन डूब रहा था और जब उसने देखा कि मैं डूब रहा हूँ अल्लाह के अज़ाब को जब अपनी आंखों से देख लिया तो वो ईमान लाने लगा,
कि मैं ईमान लाता हूँ मूसा के रब के ऊपर, तो मुझे ही लग रहा था कि अल्लाह को इसके ऊपर रेम दिया जाए, तो मैं समुद्र के कीचड़ ये बात कुरान में की नहीं ये नहीं फिरौन वाली है। अरे वो तो फिरौन के डूबने का वो पानी पहाड़ बन गया था, तो कहा कि वो जब ईमान अजाब को देखा उसने, तो फिर वो अल्लाह ताला से कहने लगा मतलब कि नहीं मुझे लगा कि अल्लाह को इसके ऊपर रहम नहीं आ जाए, तो मैं समुद्र की कीचड़ और मिट्टी उठा के उसके ऊपर ठूस रहा था। आपको मालूम नहीं है आशाब देखते या होते इस तरीके से जिब्रील अलैहि सलाम, अब देखो वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, लेकिन जिब्रील अलैहि सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ चाहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद के ऊपर खबर दे दी है ना, और जहाँ नहीं थी जैसे जंगे युद्ध में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज मुबारक शहीद हुआ, आपको मालूम नहीं था कि अगले पल ही मेरे साथ क्या होने वाला है, आपको थोड़ी मालूम था कि एक मुशरिक औरत गड़ा खोद देगी और बस में गिर पड़ूंगा और मेरे ताज मुबारक में कड़ियाँ घुस जाएगी, खून निकल जाएगा, ताज मुबारक शहीद हो जाएगा। अगर आपको मालूम होता तो वो जो कुरान में है ना कि अगर मैं गैब जानता तो बहुत सारी भलाइयाँ इकट्ठी कर लेता, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचती, इसका मतलब ये सब चीज़ें गैब है, आपको नहीं बताया तो आपको तकलीफ पहुंच गई, और जा के तो पर आपको खबर दे दी तो आपको पता चल गया कि फला वहाँ खड़ा है, फला आपका इंतजार कर रहा है, फला चुप रहा है, अल्लाह ने चाह चाह, तो ये गेट के ऊपर इतना अलग देर हुआ ना। मेरी बात सुन मैं कुरान लिया नहीं अभी इस पर सुन कुरान किस मंगवा लेना आप जाओ कोई जाओ कुरान से लोग यही है ना अंदर है इंसान के पास जब दलाई खत्म हो जाते हैं ना तो वो क्या दूसरी तरफ जाता है, अभी तक तो बगैर दलील के बात ही नहीं क्लियर सर। नहीं अभी तक आपने पेश क्या करा मिश्कात का लॉ क्या पेश करा कुरान क्या है पेश करा कौन सी एक बात में आप बता दो सुनिए मेरी बात एक बात में आपको बता दो अभी आपने कहा कि आप नहीं जानते आप नहीं जानते वहाँ पर भी कुछ आए थे जो आप नहीं जानते थे आपको बता दिया गया वहाँ पर वो बात नहीं आई पहले भी बताया ना तो मालूम नहीं था तो मैं यही तो कह रहा हूँ हम कब कहते हैं कि शुरू से तो गेप के ऊपर अल्लाह ने जो बताया है वही है अल्लाह के नबी लेकिन अब उसमें ये तख़सीस करना कि ये पता नहीं था वो पता नहीं था कोई जरूरी नहीं है वही के जरिए हर चीज वही के जरिए नहीं बताई गई मैं दलील दूंगा नहीं दिल में नहीं मैं तारीख बताऊंगा जिब्रील का लफ्ज़ ही नहीं नहीं तो वही के किस में ना नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइव भी बताया है किसी मकाम पर कुछ और और अल्लाह के नबियां बयान तो वो तो पूरा का पूरा दिखाया ना अल्लाह ने ना कि बैतुल मुकद्दस में जब अल्लाह के नबी को दिखाया गया उस वक्त अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया कि मुझे दिखाया गया जिस तरीके से वो अंगूर का है कि मैं नमाज पढ़ रहा था मुझे दिखाया गया मुझे जन्नत दिखाई गई मुझे जन्नत दिखाया गया वहाँ पर कुछ नहीं है सही बुखारी के हदीस पाक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं और किसी मकाम पर मौता गालिबन मौता के मकाम पर जंग हो रही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे बैठे बयान कर रहे हैं कि फला सहाबी लड़ रही है और अब दीन का झंडा उन्होंने थामा सही बुखारी के हदीस पाक है दीन का झंडा थामा उसके बाद वो शहीद हो गए फिर उसके बाद दूसरे सहाबी आए फिर उन्होंने दीन का झंडा थामा इस तरीके से दो दीन के नाम बताने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख से आंसू तो यहाँ पर ना तो दिखाने का लफ्ज़ है और ना जिब्रील का लफ्ज़ है अब कहें कि नहीं तो ये आप अपनी तरफ से मेरा नबी जो भी बात बोलता है
तो मैं जब उसको वही करता हूँ ना तब वो अपना मुँह खोलता है। जो अल्लाह ने कहता तो जाप्ता हो गया तो उसूल हो गया ना। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी दीन के मामले में जो भी बोलेंगे जाहिर सी बात है कि वो दीन ही की बात होगी और अल्लाह के हुक्म को इसका मतलब क्या है मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात अपनी मुंह से निकालता है तो मैं उसको वही करता हूँ। उसके ख्वाहिशात की आमेजिश उसमें नहीं होती और अंत तो आप जानते हैं। इसका मैं तो कह रहा हूँ अंत तजा उसके लिए आता है भाई एक कमान से तीर निकल गया अब वो कमान इस तीर के अंदर नहीं है वहीं पर खाना आता है ठीक है ना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मतलब ये अपनी ख्वाहिश से जो वही तो आसान से बोल रहा हूँ तो कि नबी अपनी तरफ से नहीं बोलते बल्कि वो जो कुछ बोलता है अल्लाह की वही होती है। तो मैं ये भी कह रहा हूँ दीन के मामले हाँ अब आप लंबा छोड़ा बता रहे हो नहीं अब जो वही है नबी वही बोलते हैं ना। अब कुरान में अल्लाह ही तो फरमा रहा है कि जो कुछ वही कर रहे हैं ये नबी तुम्हारे लिए कह रहे हैं की है ना और जी, जी, तो वही तो हम कह रहे हैं ना। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि नबी पाक सुनिए ये देखिए सूरह बकरा 12:1 के आयत नंबर 32 अल्लाह तबारक इसमें यही लिखा हुआ है कि मुझे कुछ नहीं है। इसमें वो आपकी जो बुखारी के जो पेश कर रहे हैं कि मुझे कुछ इल्म नहीं है अगर होता तो मैं वो कर लेता ये वही बात यहाँ पर आ रही है कि मुझे कुछ इल्म नहीं मगर तूने जितना सिखा है। तो यहाँ पर भी इससे मगर लफ्ज आ रहा है यानी कुछ तो है जो अल्लाह ने मुझे अता किया है उसी को हम अटाई मैंने समझे मेरी बात जो आपने क्यों लगा रहे हो वो क्या है अल्लाह नहीं फरमा रहा है। अगर आप ये कह देते हो कि गैब की खबर आप कह देते हो इल्म समझे नहीं उसके तो हम भी कायल हैं लेकिन आप जब ये कहते हो कि नहीं अताई गैब था तो फिर मैं समझता हूँ कि ये सहाबा के देखिए सूरह जिन है सूरह जिन है 12:29 में आयत इसकी 26-27 आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहद अल्लाह तबारक व तआला गैब का जानने वाला है रसूल अल्लाह गैब का जानने आलिमुल गैब आयत नहीं है अभी मैं आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहद युज़हिरु अला गैबिही अहद और अपने गैब को जाहिर नहीं करता युज़हिरु का मतलब जाहिर करना ही होता जी जी अब इसमें कहाँ पे होगा इसमें आगे आगे नहीं अभी मैंने लिखा है कि कोई चीज़ पोशीदा है और उसको जाहिर कर दी जाए है ना पोशीदा है तो गैब है जाहिर कर दी जाए तो गैब नहीं और वहाँ पे ये लफ्ज मौजूद है वला युज़हिरु अला गैबिही अहद यही है ना हम गैब के गैब की बात जो है ना वो किसी को पर जाहिर नहीं करते मगर जिन रसूलों से हम राजी और खुश हो या जिनको रसूल बना दें तो जाहिर हो गया ना तो गैब कहाँ है वो तो रसूल के लिए नहीं यार वो गैब का लफ्ज ही नहीं गैब के साथ जाहिर का लफ्ज है ना मैं क्या कह रहा हूँ और मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज जाहिर हो जाती है वो पोशीदा है नहीं रसूल पर जाहिर कर दिया ना रसूल पर कर दिया ना तो रसूल के लिए ना हुआ फिर ठीक है आपके लिए हमारे लिए नहीं आप हम तो रसूल की बात कर रहे हैं ना अपन बेटे किस लिए रसूल की बात कर रहे हैं आप मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला को जो गैब तो वहाँ पर किसके लिए लिया जाता है छुपी हुई बात है तो हमसे छुपी के अल्लाह से छुपी मंतिक मतलब ये कहाँ मंतिक अल्लाह की शान में गुस्ताखी होती है इसका मतलब ना उसके अल्लाह खुद गलत बोल रहा है अपने क्या बोल रहा है मैं आलिम हूँ गैब मैं गैब जानता हूँ आप कह रहे हो उसके तो कोई छुपी हुई नहीं है तो अल्लाह मुझे एक बात बताएं अल्लाह का मतलब कुरान की आयत है अल्लाह की बात मुझे बताएं नहीं अल्लाह की क्या राय है छुपी हुई बात मेरी बात गैब का माना नहीं आप सुनिए ये कुरान किस पर उतारी इसके पर कहा ना अला भी मैंने अपने बंदे को पर इसको नाजिल किया अब तमाम वो तो खालिक है और हम सब मखलूक हैं अब अल्लाह ताला कोई बात कहेगा कि मैं ही आलिम हूँ गैब हूँ चलो मान भी लें आपकी इस बात को कि भाई अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं हम भी मानते छुपा हुआ नहीं
लेकिन वो जिनको मैसेज दे रहा है खालिक अपने मखलूकात को मैसेज दे रहा है कि तुम्हारे लिए तो चुप हुई है ना वो वही तो देखो इन्होंने खुद ने मसला हल कर दिया तो खुद मसला हल कर दिया कि तुम्हारे लिए तो चुप हुई है ना मैंने तो आपकी बात ली है कि वो तो मेरी बात नहीं है आप साहब बात काटो मत ज्यादा बोल रहे हो या भाई जी जी आपकी बात ले भी लें कुरान को उतारी मखलूक नहीं आप अपनी बात बताएं मेरी बात नहीं ना आप मुझे जाने का बता दे मेरा दिमाग और इस तरीके से मुझे आलिमुल गैबी आलिमुल गैबी या तो आप बोलो मैं पूरा सुन लेता हूँ मैं बोलो आप पूरा सुन लो ऐसे आप निकल आती है कहाँ से कहाँ आप इधर उधर हो गए ना मैं बता रहा हूँ आलिमुल गैबी वाला इस व्यू वाला व्यू वाला मुझे याद आ गया मैं कह रहा हूँ कि खालिक का कलाम है खालिक ने कलाम नाजिल किया मखलूक की रहनुमाई और उसकी हिदायत के लिए अब अल्लाह तबारक व तआला कोई भी बात बताएगा तो किसकी लुगत में बताएगा तो कुरान को लुगत कुरैश में नाजिल हुआ वैसे ही ठीक है ना अब हमें वो तो काले पहाड़ में काली चूटी को भी चलते हुए देख रहा है ठीक है ना लेकिन वो कलाम उसके कलाम में ये खूबी है कि कोई भी इंसान इसको पढ़ेगा ना तो उसके कलाम समझ में आता है अल्लाह ने इसको इंसानों की फितरत इंसानों के जहनों की बात और मखलूकात की जो फितरत है उस हिसाब से इस कलाम को नाजिल किया अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ज़मीन और आसमान में मेरे सिवा कोई गैब नहीं जानता ठीक है ना कितनी जगह आपको आपको हाफिज और आपको एक चीज़ मालूम होगी कि कुरान बुरा पड़ा है कभी सूरह नाम आया था बिल्कुल तो अल्लाह ने साफ नफी कर दी है अब अपन ये कहें कि यार अल्लाह के सामने से आपने कहा तो मैं बात बता रहा था कि आपने वो इसके लिए तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं ये मतलब तो फिर उसने क्यों कहा तो यहाँ एक बात तो ये कि भाई अल्लाह ताला ने तो इस अल्लाह ने सही कहा हम ये नहीं कहेंगे कि ना उस दिन वो गलत बोलेगा उसने सही कहा लेकिन वो हमसे बोल रहा है ये कलाम हमारे लिए नाजिल हुआ ना तो हमसे यही तो कहेगा ना वो क्योंकि हमारे लिए तो वो चीज़ें छुपी हुई है अगर यूँ भी ले लें तब भी बात सही है लेकिन आप क्या कह रहे हो कि अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई है क्या उसके लिए गैप कहूँगा तो ऐसी बातें मत करो यार मैं आपके जवाब के लिए जवाब दे रहा हूँ अल्लाह के कलाम के लिए आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब गैप की बातें बता दी तो उनके लिए गैप नहीं रहा जो उनको पता चली खबर दे दी उनको पता चली तुमने उस पर कह रहा हूँ आपसे कि अल्लाह को तो सारी बातें पहले से पता है ना तो फिर वो गैप ना हो मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ मैं बात घुमा नहीं रहा हूँ नहीं तो ये जवाब ही सही नहीं है कैसे नहीं ये तो कुरान पे एतराज कर कैसे आप कैसे बताएं वो अल्लाह तो कह रहा गेम तो है आप कह रहे हो गेम नहीं है कुरान पे तो आप ही एतराज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको अल्लाह तो कह रहा है कि जो कह रहा है अल्लाह के लिए कोई चीज छुपी हुई नहीं है तो उसके लिए गेम का तो फिर अल्लाह गेम क्यों लेगा कुरान कह रहा है कि जो चीज हमने अपने रसूल को दिया वो गेम है तो आप भी तो एतराज कर अल्लाह कह रहा है वो गेम है आप नहीं हमारे में नबी यूजीर वाला हमें नबी आपको बताया गेम के साथ जाहिर का लफ्ज मौजूद है आप अच्छा ये खबरें गेम है मतलब इल्म गेम नहीं है और मैं लफ्ज इल्म गेम बता दूं कि हमने आपको इल्म गेम दिया हां मतलब आप तो ऐसा बता दो कुरान और हदीस में कि अल्लाह के रसूल आले बोल के हम टूट जाएंगे है कि नहीं अल्लाह से गेम हुआ तो कुरान में कि मेरा नबी गेम जानता है या खुद नबी से गेम हुआ तो मैं गेम जानता हूँ यही गड़ो जाएंगे सलाम कर लेंगे आप लाओ तो सही हम तो अभी आपको सैकड़ों बता देंगे एक भी नहीं बता सकते अताई अताई भी एक नहीं अताई का और जाती का तो इसमें कुरान और हदीस में ही नहीं वहाँ तो डायरेक्ट गैप है और डायरेक्ट गैप नहीं है ये बात करता है कुरान और हदीस ये अताई तो हमारी समझ में इख्तलाफ हुआ है आप लोगों ने उसको अताई समझ लिया हमने उसको खबर बता दी ये तो इख्तलाफ है बड़ा इख्तलाफ थोड़ी आप उसको समझो तो सही ये तो हम भी मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीज़ें बताइए कि नबी वो आपकी ताक में वहाँ चुप करके बैठे हैं मुशरिक आप जाओगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा नबी को बता दिया तो पता पड़ गया नहीं बताया तो उनकी ओझड़ी रख दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था उनको और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तकरीबन 50 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहे कि मेरी मतलब इतनी अजीमत थी जिनका मकाम अल्लाह के पास है उनकी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया भी जानते हैं 50 दिन तक परेशान रहे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर इल्ज़ाम लगा था 50 दिन तक तकरीबन परेशान रहे नहीं रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वजह से इल्ज़ाम लगाता ना इल्ज़ाम की वजह से रहे थे परेशान कि याद नहीं था इस वजह से रहे पूरी बात बोले हाँ बता रहा हूँ ना एक तो इल्ज़ाम लगाता इस वजह से परेशान थे और खुद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा उन्होंने कि आयशा ये बात सही है या सही नहीं है याद है आपको तो इसका मतलब नबी पूछ भी रहते हैं भी कर रहे हैं कि आयशा ये सही है या नहीं सही है जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पुकारा गया था
और कहा कि तो क्या आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा ये जो आप कह रहे हैं सही हदीस के अंदर है बुखारी शरीफ में अब ये जो हदीस से पाक जो आप पढ़ रहे हैं अच्छा ये लफ्जों का क्या करो वही मेरे पास वही पहले ये बात हुई बताओ नहीं उस पर जवाब दे दो कि ये जो वही नाजिल हुई अल्लाह का ऐसे इतना माफ करना ये जो है जो आपको तो मत ले उसी हदीस में ये भी तो है हालांकि मैं जानता हूँ मेरी बेटी आपको दावा करना आपने दो बातें बोली है देखिए अब मैं बोल रहा हूँ उसको क्लियर कर दूँ ना मैं बोल रहा हूँ आपने दो बातें बोली एक तो एग्जाम लगा इस वजह से और एक दूसरी क्या बात हुई आपने कि वो पूछ रहे था ऐसा नहीं लगा ये बात सही है कि नहीं जबकि उसी हदीस में जबकि उसी हदीस में अल्लाह के नबी नीचे पर मरा हालांकि मैं जानता हूँ मेरी बीवी से और कुरान की आयत الخبيثين والخبيثون للخبيثون ये पूरा कुरान भी तो मानते ना अल्लाह ने सिखा दिया इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक तआला खबीस मर्दों को खबीस औरत नहीं देते और खबीस औरत को खबीस मर्द नहीं देते उसके बाद ही वक्त की बात उन तक भी और क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह के नबी मुझे भी नहीं पता कि मेरी औरत खबीस है अल्लाह बताएगा जब पता पड़ेगा तो मतलब कुरान नहीं पढ़ा अल्लाह के नबी नहीं भरोसा वाली चीज़ अल्लाह को नहीं एक कॉन्फिडेंस होता है जैसे मान लो कि ताजिम भाई है आपको मुझसे कहे कि यार वो आपके लिए भला बुरा कह देते हैं एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार ताजिम भाई ऐसा नहीं कर सकते लेकिन यकीनी इल्म होना कि नहीं ताजिम भाई ने ऐसा नहीं किया ये तभी पता पड़ेगा जब वहाँ का लाइव वीडियो मुझे दिखाया जाए समझे बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो यकीनी जो खबर थी जो खबर अच्छा आप ये बताओ कि अगर ऐसा था तो फिर सहाबा किराम से मशवरा क्यों करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो यहाँ तक कहा कि और भी औरतें अच्छी अच्छी बात को मिल जाएगी याद है ना और फिर ये जो सूर्य नूर की ये जो 10 आयात फराज में उतरी तो ये फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के गए और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद ये कह रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ वैसे नहीं रहते थे जैसे पहले रहते थे बस घर में आते सलाम करते और मुझसे इतना पूछते तबीयत कैसी और चले जाते हैं उनको भी लग रहा था कि इनकी मतलब अखलाक में या उनके जो सुलूक में ना थोड़ी सी तब्दीली देखी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अच्छा मुझे ये बताएं चली गई इतनी लंबी भी बहस ना करें मुझे ये बताएं कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह रहे हैं पता नहीं अल्लाह को तो पता था तो अल्लाह ने 50 दिन बाद आए उसकी हिम्मत है ये अल्लाह से पूछो आप वहाँ पर भी एक किताब यहाँ पर भी आपको ये कहना चाहिए मैंने बात ना करूँगा जब मैं दाद शरीफ वाली बात कर रहा था आपने डायरेक्ट कहते बात और बात के लिए कहूँगा तो यहाँ पर क्यों दिया आपने जवाब यहाँ पर भी कह देते कि बात मत घुमा बोला बात इस पर क्या क्या बेस हो रही है मैं वहाँ पर भी यही बात बोल रहा आपसे क्योंकि अल्लाह तबारक तआला नहीं जानता ना कि मेरा नबी जब वहाँ जाएगा तो उसका दाद खुल जाएगा नबी की मैं नहीं आपने आपने तो इनकार कर दिया नबी के लिए उनको याद की आपने तो इनकार कर दिया मेरी बात सुन रहे आपने तो इनकार कर दिया नबी के लिए मैं उस पर जवाबन आपसे कह रहा हूँ बिल फर्ज आपकी बात मानकर मैं ये कहता हूँ नबी को नहीं पता तो अल्लाह को भी नहीं पता अल्लाह रोक देता वही नाजिल फरमा देता इसी तरीके से एक हदीस आप भी पेश करते हदीस पढ़ रहा हूँ हदीस पढ़ रहा हूँ इसी तरीके से एक हदीस आप ये भी पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी को जहर दिया अल्लाह के नबी मुझसे पी इसका मतलब है नबी नहीं जानते ये कहते हैं ना इसका मतलब ये यहाँ पर भी आप वही कहेंगे बात मत घुमाइए लेकिन हकीकत एक बात है कि क्या अल्लाह भी नहीं जानता अल्लाह की बात कहाँ कर रहे हैं मेरे भाई हम तो नबी की बात कर रहे हैं ना मैं नबी अल्लाह तो आलिम हो गए भाई से अल्लाह ने वही क्यों नाजिल नहीं फरमाई कि नबी इसमें जहर मिला हुआ है उस गोश्त ने खुद बोल के बताया नबी का मौजदा है मैं तो जहर की बात कर रहा हूँ सुखा लिया ना आपने तो जानते थे तो मतलब नौज बिल्ला खुद खुशी कर रहे थे जानते अरे आप मैं बताऊँ आप नबी जहर खाएगा क्या नबी को दो बातें पता है अपने दांत सुनिए मेरी बात आदमी को मालूम हो अब इनसे नहीं बोल रहे हैं आप ये मुझे बोल रहे हैं नहीं अगर एक सेकंड दो मेरी बात नबी दोनों बातें जानते कि इसमें जहर भी मिला हुआ है और ये भी जानते थे कि इसका जहर का असर मुझे नहीं हुआ था बाद में असर नहीं हुआ मौत डायरेक्ट मौत के वक्त हुआ था तो वहाँ नहीं हुआ तो इससे नबी ये भी जानते थे इसमें जहर मिला हुआ है और मैं इसको खाऊंगा तो ये जहर मैं अभी खाऊंगा लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा मौत के वक्त इसका मज़ा मुझे मिलेगा ताकि मुझे शहीद की मौत मिले ये कैसे साबित करोगे आपके नबी इसकी वजह से इसलिए
جو نبی قیامت کی خبریں دے رہا ہے, جو نبی زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے, جو نبی پیٹھ کے پیچھے کا بتا رہا ہے. اس نبی کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس میں یہ چیز ہے, یہ تو عقل میں آتی نہیں. بات ہو گیا آپ کی بات پوری. وہاں پہ میں نے بخاری شریف میں بتا رہا ہوں, صحابہ کرام بھی وہاں پہ شہید ہو گئے تھے, مر گیا تھا وہاں اتنے زہر کھانے سے. اگر نبی جانتے تھے تو صاحب ابھی تو مرے نا, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے سوچنا تو چاہیے. مطلب نبی کو معلوم ہے کہ اس میں زہر ہے اور کہہ رہے میرے اوپر اثر نہیں ہوا, موت کے وقت اثر ہوا اور اپنے صحابہ کو مروایا نہیں. اب میں بولو نا, امام حسین شہید ہوئے, نبی جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے آپ کے مطابق, اور اللہ کے مطابق بھی جانتے تھے, لیکن پھر شہید ہو گئے. امام حسین شہید کیوں ہوئے؟ جب یاد تھا نہیں جانے تھے اللہ کا حکم تھا نا. تو وہاں پر بھی تو یہ حکمت ہو سکتی ہے, نہیں پڑھا یار. اللہ اور نبی الگ ہے کیا؟ اللہ اور نبی الگ ہے, کیسے ہے اللہ اور نبی الگ نہیں ہے؟ اس میں توبہ استغفار کیسے ہوگا؟ جب یہ بتاؤ ان سے کیا بات کر رہے ہیں, اللہ اور نبی ایک ہے. کس کس معاملے میں میں نے کہا؟ ارے وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے. یہ مخلوق ہے ٹھیک ہے, وہ رازق ہے, یہ مخلوق ہے. وہ معبود ہے, یہ عابد ہے. یہ عابد ہے, وہ رازق ہے. تو میں اس معاملے میں نہیں کہہ رہا ہوں, کئی صفت میں بات کر رہا ہوں. جیسے اللہ بھی رحیم ہے, نبی بھی رحیم ہے, تو یہاں پر ایک ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دونوں ذاتی طور پر, اس بات کو سمجھے. آپ نے جو استغفر اللہ کہا ہے اس پر آپ رجوع کریں. میں نے یہ نہیں کہا, یہ آپ کی مرضی. ڈائریکٹ آپ کہوگے تو آپ تو آپ بتا رہے ہو. آپ سوال کرا نا مجھ سے, آپ نے کہا اللہ اور نبی الگ ہے. سنیے, آپ نے یہ کہا کہ ستر صحابہ کو شہید ہونے دیا, میں یہ بھی تو کہہ رہا ہوں اس میں بھی اللہ کی حکمت. نہیں تو نبی جان بوجھ کے مطلب حکمت ہونے کے باوجود بھی کئی کام جان کی حکمت ہوتی ہے. اللہ مربی ہے, وہ پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے, جا رہا ہوں. اگر اس نے نہیں بخشا نا تو نوح علیہ السلام کے جو بیٹا ہے نا, کشتی میں نہیں بیٹھا نا, تو نبی کے بیٹوں کو ڈبو جائے. اس نے اس کی بات چھوڑا, وہ کسی بھی رسول تھا اس کا چند بھی رکھا رہا ہوں. وہ نکل گئے تھے یونس علیہ السلام, تھوڑا سا نعمت جلدی جس میں تو مچھلی بھی پیٹ میں پہنچا جاتا.
मेराज के बारे में पूछ लीजिए। तो इल्जाम सफर में वो हार मेरी बात सुनो, ये जाबिर मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, जाबिर का काम है मुझे मालूम। आपके हाथ से कर दो ना, क्या हो गया? छोटी बात बाकी आज
छोटी बात ही ये मसला हम केतुन जानते हो, केतुन में है, कोटा में नहीं है, केतुन में है। अरे तुम्हारे आपसे ज्यादा तो मुझे जिल्लतें पड़ रही है यार, किसी बात की कर रहे हो यार, मैं क्या या मैं इंसान नहीं हूं, किसी बातें कर रहे हो। वो तो यार सिर्फ यहाँ कोई किसी की बात को देखो ना, तो यहाँ कोई हम बिजनेस ना उसके लिए बिजनेस करने बैठे हैं, ना ग्राहक बनाने बैठे हैं, कमाई तरफ ज्यादा आ जाओ या ये अल्लाह उसके रसूल की बात है। सबको लगना है अपनी कब्रों में, सबको अकेले करना जवाब देना, जो अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है उसको लेना, जो नहीं है उसको मत लेना। अच्छा हमारी भी बात अगर कुरान हदीस के खिलाफ है तो हमारी भी बात मत मानो, सीधी सी बात है। और अल्लाह के रसूल के एक हदीस है कि एक जमात में जब आपके ऊपर रहेगी तो वो तब भी थी, आज भी है और कयामत तक रहेगी, उसको ढूंढो बस, सीधी सी बात है। हर जमात ये कहती है कि वो हम है, लेकिन उसको नापो तो सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पहचान भी बताई है, वो पहचान जिस जमात के पाओ उसको हम मान लो, सीधी सी बात है। वरना फितने फसाद तो चलते रहेंगे, शैतान बुला हुआ दुश्मन है, कयामत तक कोशिश करेगा वो शैतान से मेरे को कंधेरा मेरे एक हाथ ये यहाँ पर भी देखिए ماتان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمس الخبيث من المؤمنين اس حال پر تو اس پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ ہے اب یہ خبر آپ اپنی طرف سے بنائیں تو ٹھیک ہے تم یہاں پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر دے اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں خیر سے آگا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرے سے خیر سے آگا 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 کرنا اگر بتا جائے کہ یار فلاں شخص کھڑا ہے آگا ہی ہوگی نا یہی تو بول رہے شروع سے آگا جہاں بھی آپ بتاؤ گے میں وہی ایک لفظ بتا دوں گا انشاءاللہ جہاں بھی آپ یہ صاف کہو گے نا کہ دیکھو یہاں پہ تو لیے نا لیکن وہاں پہ بھی آگاہ آ گیا آگاہ کر دیا نا ٹھیک ہے میں مان رہا بھائی میں اس سے یہ کہوں کہ اس کے نیچے سانپ ہے یہ بھیا بیٹا اس کو معلوم نہیں اس کے لیے غیب ہے اب میں یہ آگاہ کر دوں کسی کو بھی نہیں آگاہ کر رہا میں اس کو کہہ رہا کہ یہ سانپ بیٹا ہے تو آگاہ کر دیا نا میں نے اب یہ ہو جائے گا اٹینشن اور یار اس کے نیچے سانپ ہے اس کو پتہ چل گیا وہ یہ آگاہ لکھ تو رہا ہے اس کو پتہ چل گیا نا جی اور چلا نہیں چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے اسی کو فیصلہ ہو جائے گا یہ سب سمجھ جائیں جب چاہیں جیسے چاہیں آنکھ بند کر کے یا کسی ذریعے سے پتہ لگا کے اور یہ ہے کہ نہیں بھائی ایسا معاملہ ہے نہیں ایسا معاملہ ہے ایسا کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا کوئی طور بولا یا ایسا کوئی غیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کی عقل کیا ہوگا یا کس کے ساتھ حادثہ ہوگا نہیں ہوگا ایسے کچھ آنکھ بند کر کے یا کچھ کر کے لوگوں کو بتا دیں ایسا تھا کیا آنکھ بند کر کے جیسے بھی مطلب ہاں ایسا تھا ہاں جیسے پہلے آپ ایک مثال بتا دیں مثال کے طور پر میں تو یہ کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چیز نہیں بتائی وہ آپ کو نہیں پتہ پڑی اور جو بتائے وہ تو پڑی نا جو بتائی نا وہ تو ظاہر ہوگی نا اللہ تبارک تعالیٰ یہ میں نہ قرآن کی گستاخی کر رہا ہوں نہ اللہ کی کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جملہ جو بول رہے ہیں کہ اس کے لیے غیب ہے اس کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے بلکہ تمام مخلوق اور نبی کے لیے بولا جا رہا ہے
मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। अब उसी तरीके से जो नबी को बातें पता चली तो अल्लाह उसके रसूल के लिए नहीं है लेकिन हमारे लिए वो है। मैं जब से यही कह रहा हूँ, मैं जब से क्या करता हूँ, नहीं हमारे लिए कहाँ गए जैसे अभी पहले इन्होंने माना नहीं, वो तो माना, वो भी मैं बताऊंगा, जो मान रहा हूँ कौन सी मान रहा हूँ कौन सी नहीं मानूंगा वो भी मैं आपको बता दूँ जी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक्या, आप तो बहस चुके, पांच लोग हैं छह के जमाने, ये जो दो बातें आपने बोली ना, जिसको मान रहा हूँ वो भी बताऊँगा, जिसको नहीं मान रहा वो बताऊँगा, वो बातें आप लेकिन वो हमारे लिए गैब है, खबर तो मालूम पता पढ़ने के बाद नहीं है नहीं है, उनको खबर मिल गई ना, लेकिन जैसे दज्जाल है, बात को समझने की कोशिश करो, ये खबर दे दी लेकिन अभी वो क्या छुपा हुआ है, ठीक है ना, खबर तो मिल गई। और हम ये नहीं कह सकते जैसे आपको भी मालूम है दज्जाल आएगा और वो भी मालूम है, तो क्या आप भी ये कहोगे कि मैं भी गैब जानता हूँ, नहीं कह सकते आप, मैं कहाँ कह रहा हूँ, क्या नहीं कहोगे ना, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, अताई आलिम उल गैब तो आप ही होगे, फिर कैसे हो गया, बताएं मुझे, बताएं कैसे हो गया, एक होता है खबर देना और एक होता है बताना, अल्लाह के नबी के साथ दोनों चीजें हुई। मिसाल देता हूँ, आदम अलैहि सलाम से तो पता नहीं चलता ना, खुद से कौन कहता है ये, खुद से क्या लिखा है मैंने, अब दौलतुल मतिया में आला हज़रत ने लिखा है कि जो खुद से नबी के लिए मानी नहीं, खुद से क्या लिखा, अरे अताई का मतलब क्या है, खुद से अताई का मतलब क्या है, जाति माने एक जर्रा भी, हां तो वो काफिर है। जाति का मतलब क्या होता है, जाति का मतलब अल्लाह ताला के पास जो चीज है ना, वो अल्लाह ताला की, किसी ने नहीं दिए उसको, ठीक है, और अल्लाह अपने किसी भी इल्म में या उसकी सिफात में, उसके अस्मा और सिफात, उसकी उलूहियत प्रभुगत में किसी को, अब ये बात आगे बढ़ रहे हैं, अभी इस पर और की बात, आप आगे बढ़ गए, नहीं बढ़ा मैं तो, ये बात लिखी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं खुद से नबी के लिए मान लेना जरा भर भी, हां खुद से नबी को इल्म मिला वो काफी, तो ये जाति में तो इल्म गैब आएगा ही नहीं, कैसे नहीं आएगा, वो तो बता दिया गया, तो फिर ये क्या है, वो कहाँ है, क्या है, सब जगह तो मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे आगा लिख रहा है, यहाँ पर इन्होंने वो बताया, यूज़ जीरो, सुनिए मेरी बात, जाहिर करना वहाँ पे भी यही है, ये मैं आप तो एक छोटी सी आयत ही बता दो, मैंने सिर्फ तीन आयतें खोली अभी और नहीं खोली मैंने, मैं भी खोलूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ वो गैब का जानने, यहाँ पर गैब का इल्म, अपने गैब का, यहाँ भी गैब का इल्म है, यहाँ पर आए कि सिवाय अपने पैगंबरों के, यानी पैगंबरों को देखा तो खबर कैसे मतला नहीं करता, मतला का मतलब क्या होता है, हाँ क्या होता है इसका, इतला दे, तो यहाँ पर अब यहाँ पर फिर ये तो ये तर्जमा कीजिए कि वो गैब की खबर लेने वाला अपनी गैब की खबरों पर किसी को इतला नहीं करता सिवाय अपने रसूल, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हो, ये देख कर रहे हो कि गैब का इल्म जानने वाला अपने गैब के इल्म पर किसी को इतला नहीं करता सिवाय अपने रसूल, अपने गैब पर जी, अपने पर वो गैब का जानने वाला है, और गैब का इल्म साथ में बोले आप कह रहे हैं जो अरबी में बोले बोले आलिम, वो आलिम हो गए भी कर होना, वो इल्म है गैब का जानने वाला, सीधा सा करें तो ये अब आप बोल सकते हैं, समझ लो नहीं नहीं समझ जानने वाला, अभी वो आपने लंबी चोरी करी थी मैंने आसान से करी, चर्चा के और अपने देव पर किसी को अपने देव पर किसी को मुकलर नहीं करता, अच्छा बाद में क्या है, किसी को मुकलर नहीं करता, ठीक है ना, यानी वो गैबदार है और अपने गैब पर अब इतला देगा ना, यहाँ पे भी इतला देने का, तो इतला किसकी दे रहा है, वो खबर दे रहा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज करके दे रहा है जिब्रील, अरे यार वो मैंने सुना था जब क्या है बताई ना आपको, वो मायन की को अल्लाह उसको आप उसको मुकदमे को साथ रखो, उसको मैं उसी पर वो आपको दे रहा है कि जितनी वही है, मेरा नबी कोई भी बात बोलेगा ना पता नहीं क्या कहा, जब तक मैं उसको वही नहीं करूँगा वो नहीं बोलता, इसको साथ में रखो आप सारी गुफ्तगू में, अपनी तरफ से नहीं बोलते नबी, मैं भी अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, मैं भी जो नबी का खुरा कर रहा हूँ, ये तो मान रहे हो ना, जो वही है वही है, ये भी तो आ रहा है ना, वो
तो जिब्रील अलैहि सलाम भी जानते हैं क्या खबर लेके आ रहे हैं ना जी कैसे अल्लाह जो आयत मुतशाबिह जो है जिब्रील अलैहि सलाम लेके आ रहे हैं ना खबर तो जिब्रील अलैहि सलाम भी आलिम होंगे मानना पड़ेगा फिर आयत नबी को भी मानना पड़ेगा आप मेरी बात समझ लीजिए मैं आपके बात जिब्रील अलैहि सलाम सिर्फ वही जान रहे हैं जो कुरान को देकर भेजा और जो जो अल्लाह ने उनको देकर भेजा वो कुरान वही कुछ कुछ चीज़ें हदीस कुछ है लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से बनने से पहले जन्नती के जन्नत में जाने पर रोज़ी के रोज़ी में जाने पर यहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने और इसी के साथ यहाँ पर जो है बदर के एक जिब्रील अलैहिस्सलाम का इतला तो नहीं है लेकिन बताया पड़ता नहीं है वही बात है अल्लाह का कौन मना कर रहा है जरिया ना बीच में वास्ता जब से मैंने अल्लाह का मना किया बार बार आप कह रहे हो अल्लाह ने अच्छा मैंने मना कर वही की किस्म है ना जैसे गलती की टाइप किसी को पसीना फर्क आ जाना वही की किस्म है ना कई चलिए किसी किस्म से याद है कई वही उसके डायरेक्ट कल पे भी नाजिल होती है वो तो डायरेक्ट उसको पता चला अल्लाह ने बताया अल्लाह के लिए मना कौन कर रहा उसको गैब नहीं कहते जिसमें बीच में वास्ता हो आप तो मुझे साबित करके बता दो बात खत्म करो तो फिर ये गैब यहाँ पर कैसे आ रहे हैं बीच में ये कौन सा गैब है ये मुझे बता दो कि अल्लाह ताला ने ये कहा मैं तो आपसे शुरू में भैया क्या कहा था कि आप कुरान की एक आयत मुझे ये बता दो अल्लाह की कसम हम सब रुजू करने के लिए तैयार हैं हमारा मसलक छोड़ देंगे कुरान की एक आयत सिर्फ छोटी सी आयत ये बता दो कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरा नबी गैब जानता है और एक हदीस मुझे बता दो जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मैं गैब जानता हूँ आप जो कहो वो करने के लिए तैयार बोलो इस पर सर भैया ये तो बहुत बड़ी बात है इस पर तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि आप भी कोई एक कुरान की आयत बता दे कि नबी ने पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सबसे सामने नाज़िल फरमाया तो मेरा नबी नहीं जानता एक नहीं साथी वाती नहीं है ये जो कागज लिखा गया है ना उसको मद्देनजर रखते हुए बताना है आपको आपने अपना अकीदा लिखा मैंने मेरा अकीदा पर कबीला भाई मैंने अपना अकीदा लिखा जब मैंने ये बात की तो आपने क्या कहा था ऐसा नहीं मानते नहीं आता इका मैंने उस खबर आप बन रही है ना खबर के लिए बोला था खबर के इसको आप जिसको आप बताई के तो ना उसको खबर और इतना खबर का क्या नाम है सब सबूत है ना भैया उस खबर का क्या नाम सब रिपोर्ट अरे खबर का क्या नाम है कौन सी खबर का जो खबर आई नहीं वो पोशीदा नहीं रही हां अल्लाह मतलब अल्लाह ताला जो गैर बोला है तो अल्लाह ताला को गैर नहीं बोलना चाहिए आप कुरान की आयतें निकालो ना यार आपने खुद ने वो जीरो पढ़ो ना दोबारा उसको क्यों नहीं पढ़ रहा आप दोबारा पढ़ो तो मैं तो पढ़ रहा हूँ फला यूज़िरु वाला थे कि ये आप पहले अपने आगे गैर को जाहिर आप अपने आगे नहीं इसका तर्जुमा बता दो जाहिर तो सुनने में हम चाहे यूज़िरु वाला दोबारा तो ताला किसी को अपने किसी पर अपना गैर जाहिर नहीं करता सिवाय अपने पसंद का गैर जाहिर हो गया तो गैर रहा हो नबी की चपकी ना फिर मैं वही तो कह रहा हूँ ये सूरह नाम है भैया اللہ نے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ٹھیک ہے نا اور ولا اقول ولا اقول نہیں ولا اقول لكم عندي ملك اس کا کیا مطلب ہے قل آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں قل لا اقول لكم عندي خزائن الله میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے ولا عالم الغیب اور میں غیب بھی نہیں جانتا اللہ اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے سارے لوگوں سے کہ میں غیب نہیں نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں وہ نہیں کہنا ملک ہوں نہ میں فرشتہ ہوں ملائکہ ہوں میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں اور پھر اللہ نے آگے دیکھو کیا کیا کہا غیب کی بات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے خالق اور مخلوق دونوں کے اندر تفریق بیان کری کہ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے سو کیا تم غور نہیں کرتے یہ
तो अल्लाह की सिफत है, अब लोग में माने में तो अल्लाह ने कहता कि आँख वाला और बगैर आँख वाला बराबर हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक बात आप बोलते हैं कि ला अमूर इसका मतलब है बार बार ला जो लाया जा रहा है, इससे मुराद ये है कि मेरा दावा ही नहीं कि मैं खुद साख्ता ही नहीं, इसका मतलब यानी यहाँ पर जो मतलब है वो यही है कि साथी तौर पर मैं नहीं जानता। और ये ऊपर पढ़िए आप, अल्लाह बताता है मुर्सिल मुर्सलीन इल्ला मुबशिरीन मुबशिरीन फमन आमना व असला फला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और हम पैगंबरों को सिर्फ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वो बशारत दें और डराएं, फिर जो ईमान ले आए और दुरुस्ती कर ले सब उन लोगों पर कोई अंदेशा नहीं और वो ना मक़बूल हैं। यहाँ पर है कि उनको बशारत दें और उनको डराएं, तो यहाँ पर एक आयत इसी तरीके से हो रही है आप कहिए कि मेरे पास अल्लाह के कसर नहीं, मैं तुमसे नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के कसर नहीं, ये डर ऊपर की आए तो पढ़िए और ना ही मैं गैर जानता हूँ, साफ साफ कहवा देना अल्लाह ने, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि आप ऐसी आयत दिखा दो जिसमें अल्लाह ने कहा मेरे नबी आप लोगों से कह दो कि मैं गैब जानता हूँ, जाति नहीं जानता आता ही जानता हूँ पर जानता हूँ, ऐसे एक आयत दिखा दो यही पर है जैसे हम दिखा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो पूरी बात चल रही है आप किसी बात को समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, ये जो पूरी बात चल रही है गैब की चल रही है या काई की चल रही है? अल्लाह ने नबी से कहवा दिया आप कह दो मैं गैब नहीं जानता, ये जो बात चल रही है आप तो बताओ अल्लाह ने कहा नहीं कहा, मैं क्या कह रहा हूँ आप ही की बात करो, आप ये जो बात चल रही है रेप की चल रही है किसी की चल रही है, रेप की चल रही है ना, तो अब यहाँ पर देखिए कि मैं रेप नहीं जानता फला नहीं जानता फला नहीं जानता, मैं तो जो कुछ मेरे पास वही आती है उसका इत्तेबा करता हूँ। वही क्या आती है? दूसरी आयत से मैंने बताया कि जितनी भी वही आपके पास आती है रेप है, तो आप कह रहे हैं कि वो रेप नहीं है, कैसे हो गया? तो फिर अल्लाह रेप कैसे कह रहा है उसको? कोई बात आई कि वहाँ पे जाहिर का लफ्ज आएगा इतला अलल गैब आएगा है ना, गैब पर ये गैब की खबरें हैं, जैसे अल्लाह ने एक जगह फरमाई ये गैब की खबरें हैं जो जिनकी हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, ऐसे भी तो है ना, ये गैब की खबरों में से है जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, इससे पहले आप नहीं जानते थे, ये हम भी मान रहे हैं, ये मैं बारह खबरें आ गया गैब की खबर तो उसको आलिम गैब नहीं कहेंगे आप साहब, आलिम गैब बताई है और नबी को जितना इन बनवा अल्लाह ने दिया कि भाई ये फला है ये फला होगा फला होगा सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना नहीं बताया मसला खत्म की किसी बात है मेरी बात सुनिए मसला खत्म जितना अल्लाह के नबी को अता किया वो क्या खबर है दी ना, अरे जो भी अता किया वो क्या उसको क्या कहा जाए वो खबर ही कहा जाएगा।